वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 10, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 155, यूनिट नंबर 6, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लुक एट एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 15। इफ 153a एंड b7 इज इक्वल टू 3510, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, इस क्वेश्चन में सिंपल है, आपके पास जो वैल्यूज हैं आपने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 जो फर्स्ट आपके पास रो 1 है, इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय बी होगा तो बी 1 द बी हो जाएगा। इस तरह 5 मल्टीप्लाई होगा जब 7 के साथ, तो 5 7 द 35 हो जाएगा, तो बी प्लस 35 आप राइट कर देंगे। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो 3b आ जाएगा, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 7a आ गया। अब आपने उसी तरह से जो इक्वल के बाद कॉलम है 35/10 वो वैसे का वैसे साथ राइट करते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, b की जो वैल्यू b प्लस 35 इज इक्वल टू उसके सामने जो वैल्यू होगी 35 वो राइट कर देनी है। b को इधर रहने देंगे 35, ये वाला 35 प्लस का इधर आके माइनस का 35 हो जाएगा, तो 35 माइनस 35 b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से अब चेक करते हैं a की वैल्यू। अब 3b प्लस 7a था जहाँ पे, उसके सामने जो इक्वल के बाद वैल्यू वो 10 थी। अब आपने क्या करना है, पुट b इज इक्वल टू 0, जो आपके पास अभी b का आंसर आया था 0। अब आपने जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 0 राइट कर दिया, 3 0 0 राइट कर देंगे। अब 7a वैसे का वैसे इज इक्वल टू 10, और ये 0 प्लस 7a इज इक्वल टू 10, तो 0 में 7a प्लस करेंगे तो 7a का 7a आ जाएगा इज इक्वल टू 10। अब 7a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 10/7, और यही आपकी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपको वैल्यूज दी हुई हैं -2, 4, 0, -3, -5, -5, 1, 3, -3 एंड 1, -1, 2 एंड 0। अब आप पहले इन टू अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ही आप इसे थर्ड अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसी तरह से रो 1 को कॉलम 1 के साथ और फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो -(-)+10 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 4 बंदा 4, तो 10+4 आपके पास 14 आ गया। इसी तरह से -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, और 4 जो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -12, तो 10-12 आपके पास -2 आ गया। इसी तरह से 0 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ तो 0 का 0, और -3 मल्टीप्लाई होगा जब 1 के साथ तो 0-3 आ जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं लास्ट अमाउंट की, यानी 0 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ 0 का 0 आ गया, -3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो +9 आ गया, तो 0+9, 9 आ गया। अब जो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स था वो वैसे का वैसे आप साथ राइट करते जा रहे हैं। अब लास्ट पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई 1 के साथ और -2 को 2 के साथ, 14-4 आपके पास 10 आ गया। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -3+18 आपके पास 15 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -0, तो आपके पास -40+0-14 आंसर आ गया। और इसी तरह से अब आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो 9 को मल्टीप्लाई करना है -0 के साथ, तो 3+0, 3 आ गया। और ये आपकी अगर थ्री अमाउंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट टू अमाउंट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 है और 11 भी सेम ऐसे ही है, यानी 2 रोज 2 कॉलम वाले दोनों मैट्रिक्स हैं और इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड राइट ऑन योर कॉपीज। थैंक यू। डू लाइक and comment on video and don't forget to share and subscribe study companions. Thank you.